कथित सेक्स सीडी कांड मामले में जेल में बंद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने आग्रह किया है कि वे जमानत लेकर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करें। आपको बता दें कि कैलाश मुरारकर ने कोर्ट में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भूपेश बघेल सीडी कांड में निर्दोष हैं, उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। पीएल पुनिया ने कहा कि सीडी कांड मामले में भाजपा के नेता ही शामिल हैं। सरकार सीबीआई के सहयोग से आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और सरकार जानबूझकर कांग्रेस नेताओं को फंसा रही है। पुनिया ने कहा कि बीजेपी की रणनीति है कि वह पीसीसी चीफ को जनता से दूर करना चाहती है ताकि चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। उन्होंने कहा कि आलाकमान का मत है कि चुनावी वर्ष में भूपेश बघेल को जनता के बीच रहना चाहिए। भूपेश बघेल जी का सिर्फ इतना बताया कि वो फर्जी सीडी है, वो उन्होंने वितरित की, लहराते हुए कह दिया कि मेरे पास भी एक सीडी है, लेकिन जांच एजेंसी ने जो सीडी लहरा के दिखा रहे थे वो नहीं दिखा, तो अपने कब्जे में नहीं, और वो जांच के लिए भी उपलब्ध नहीं थी। पब्लिक फोरम पे जो सार्वजनिक रूप से जो बयान भी आए हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाना चाहता। वो बयान है वो पब्लिक के लिए है, पूरे सबके लिए है, कोई हमारे पक्ष में ये विरोध की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए लोग जो इस सीढ़ी में जो कैलाश मुरारका वो बयान देते हैं कि मुझे फर्जी फंसाया गया, 75 लाख रुपया उन्होंने जो सीबीआई के अनुसार दिया और सीडी बनाने के लिए वो पैसा खा गया, गंभीर आरोप लगाया। और उसी में जो कोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए हमको हाथ फैलाना ना पड़े, भीड़ बांधने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए न्याय मिलना चाहिए, और वो जेल में भेज दिए। जो जनता का अभूतपूर्व उत्साह, कांग्रेस जन का गुस्सा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नाहक बिना किसी कारण जेल भेज दिया गया, वो ऐतिहासिक प्रदर्शन है कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो जनता के बीच में ना रहे, इनको बुलाई रहे, तो ये नहीं होने का। ये जो जाल फंसा के और इस तरह से करने का षड्यंत्र है उसमें नहीं आने वाले, और इसलिए निर्णय लिया गया है कि भूपेश बघेल जी से यहाँ के बाद उनसे निवेदन करेंगे, कहेंगे कि वो बेल के लिए अप्लाई करें और बाहर सम्मान बाहर निकले। और जो संदेश जाना तो गया, आज जगह जगह पर जनता के बीच में जाके ये भी बताना है कि सरकार के क्या करतूत है। For more information, log on to www.clips.in.